वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में डी व्लॉग। और आज हम इतनी जल्दी सुबह सुबह 7 बजे उठकर निकल रहे हैं आपके लिए लोटस वैली, वही अपना गुलावट जो इंदौर में है हाथोद के पास। तो आइए फटाफट से चलते हैं, हम आपको पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं हमारी वहाँ तक की। तो चले करें शुरू। चलिए देख लीजिए, हमारी गाड़ी साफ हो गई है। तो गाइस फाइनली हम आ गए थे लोटस वैली। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा तालाब है और पानी वगैरह है, लोटस वगैरह खिले हुए हैं, इसीलिए इसको लोटस वैली कहा जाता है कि यहाँ पे लोटस की जो है वो खेती वगैरह की जाती है। पानी के टाइम पे ये जो पानी है पूरा यशवंत सागर की तरफ जाता है, यशवंत सागर डैम की तरफ। अगर हुआ तो हम उधर भी चलेंगे। बाकी अपना जो लोटस वैली है ये हाथोद के अंदर से होते हुए हमको आना पड़ता है, जो की पित्त पर्वत से करीब 5 किलोमीटर है हाथोद, और वहां से फिर करीब 5 किलोमीटर अंदर की साइड है लोटस वैली। तो आइए हम यहाँ का पूरा वीडियो शूट कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और क्या आगे चीजें हैं। अभी तो हम यहीं इस लोकेशन पर खड़े हैं, हमें और अभी आगे जाना है, करीब 500 मीटर और आगे है। तो फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस कुछ ऐसा व्यू है रास्ते का यहाँ पर। यहाँ कंप्लीट पहुँचने के बाद दोनों तरफ आपको नाश्ता पॉइंट्स की कुछ शॉप मिल जाएगी, जहाँ कॉफ़ी वगैरह मैगी वगैरह आपको इजीली अवेलेबल होगी। और आपके प्री वेडिंग शूट के लिए अगर आपको घोड़े वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ घोड़े वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। अभी मैं बता देता हूँ आपको कितनी क्या कॉस्ट लगती है घोड़े की भी। यहाँ पे अपने को कई घोड़ियाँ अवेलेबल हैं, घोड़े की राइड करनी तो आपको 50 रुपये, फ़ोटो खिंचवाना है तो 20 रुपीज़। लोकेशन पर यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह चल रहा है, ये इस तरीके से यहाँ का लोकेशन है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की जाती है, ये लोटस वैली के दूसरे साइड का सेक्शन है। तो फाइनली गाइज हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको लोटस वैली का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।